हमारे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। इस वक्त हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उनसे बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो बाहर का रास्ता है, दरगाह से बाहर जाने का रास्ता है, और अभी कुछ देर पहले जहां पर डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी अंदर गए हैं, जो यहां पर यहां की परंपरा के अनुसार, यहां की श्रद्धा के अनुसार यहां पर चादर चढ़ाएंगे, और उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं हम आपको दिखाएंगे कि डेरा सच्चा सौदा के संत। कार्य किए जा रहे हैं जो मानवता हित में है, समाज हित में है, और उसी के चलते आज अजमेर शहर को साफ सुथरा किया जाना है, जिसके चलते यहाँ पर लाखों लोग जो सिरसा से, हरियाणा और पंजाब और अन्य जो राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरा दिन पूरे शहर की सफाई की जाएगी। और उससे पहले यहाँ पर धार्मिक स्थल जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, देश ही नहीं पूरे विश्व में यह धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है, पूरे देश में यह प्रसिद्ध है, और यहाँ पर आज डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ऐसा बोलते हैं, पहले इस यहाँ की परंपरा के अनुसार इस दरगाह पर चादर चढ़ाई जा रही है। अंदर का दृश्य हम आपको यहाँ नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, और इसके बाद जैसे ही यहाँ से संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा यहाँ से निकलेंगे हम आपको दिखाएंगे और उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर हर साल ही नहीं रोजाना की बात करें लाखों की संख्या में जहां पर श्रद्धालु आते हैं, यहां पर परंपरा के अनुसार चादर चढ़ाई जाती है और लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचे हैं। पूरे राजस्थान की यदि बात करें, अजमेर एक पवित्र धार्मिक स्थल यहां पर यह माना जाता है और पूरे विश्व में यह धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर में यहां से यह बाहर का रास्ता, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मजार शरीफ से बाहर आने का रास्ता, यहाँ पर जो है इसके अंदर दरगाह है, और जहाँ पर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा डेरा सच्चा सौदा के जो संत हैं वो यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए अंदर जा चुके हैं और अभी कुछ देर में बाहर आएंगे, हम आपको दिखाएंगे इसके बाद का दृश्य। आप देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा दरगाह से बाहर आए हैं, और आप इस वक्त जो दृश्य देख रहे हैं दरगाह के अंदर का, इसके अंदर जो डेरा सच्चा सौदा के संत हैं गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनका, वो बाहर आ रहे हैं दरगाह के अंदर चादर चढ़ाने की जो परंपरा थी उसको पूरा करने के बाद। जो अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं इस वक्त, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनका, उनके साथ जो मौजूद लोग, यहाँ के मौजी लोग, दरगाह के मौजी लोग साथ चल रहे हैं, और ये अंदर का जो दृश्य आप देख सकते हैं, यह अंदर के जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। अभी कुछ सेकंड पहले ही डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने दरगाह पर चादर चढ़ाई है और यहाँ के लोगों ने भरपूर स्वागत किया है। जब एक धार्मिक स्थल पर संत फकीर पहुंचते हैं तो वहां के जो महत्व है वो और बढ़ जाता है। एक धार्मिक स्थल है, पूरे विश्व की यदि बात करें तो यहां पर पूरे विश्व की यदि बात करें, पूरे विश्व में यह धार्मिक स्थल विश्व प्रसिद्ध है। यहां पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो बाहर से यहां पर श्रद्धा से पहुंचते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, आप देख सकते हैं दरगाह के अंदर का दृश्य, और यहां पर दरगाह के अंदर के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ यहां के मौजूद लोग हैं जो यहाँ की परंपरा के अनुसार उन्हें आगे साथ लेकर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और जो यहाँ की मजार है वहाँ पर पहुंच